हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रिया। रिया के रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये जम बासी चावल लेके आ रही। बासी मतलब जो रात को मैंने चावल खाए थे वो बच गए थे, तो मैंने इनको फ्रिज में रख दिया। वैसे तो मैं हम लोग नहीं खाते, लेकिन मैंने इसलिए नई रेसिपी बनानी सीखी। आप दिन के चावल को रात को बना सकते हैं, रात के चावल का सुबह भी बना सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा लंच भी या ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने सबसे पहले कढ़ाई रखी है, कढ़ाई मेरी गरम हो चुकी है। अब इसमें हम घी डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको जिसको घी नहीं भी खाना है तो आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया है और थोड़ा मैं इसमें एक चम्मच में इसमें घी डालूंगी। तो फ्रेंड्स, घी डालने से खुशबू अच्छी आती है। एक चम्मच मैंने 1 टेबल स्पून मैंने घी डाल दिया है और बाकी मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया है। फ्रेंड्स, कढ़ाई मेरी पहले से मैंने गरम गैस जला दी थी तो गरम हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक प्याज भूनता है तब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हमने डाला 1 इंची अदरक। अदरक के हमने बारीक बारीक टुकड़े कर लिए हैं और लहसुन की 6 से 7 कर लिए हैं। इनको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। हमको कूटना नहीं है फ्रेंड्स, हमें इसे काटना है। लहसुन काट लिया, अदरक काट लिया और 5 से 6 हरी मिर्चा ये काट ली और थोड़ा सा हमने हींग रखी है और 1 टमाटर की मैंने मिक्सी में प्योरी बना ली है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें मसाला तैयार करते हैं। पहले सबसे पहले तो हम मसालों को इस टमाटर में ऐड कर देंगे। तो आधा चम्मच मैंने ये गरम मसाला लिया है, आधा चम्मच गरम मसाला है और 1/4 लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मैंने लिया है नमक। नमक आप अपनी स्वाद अनुसार ले सकते हैं। तो ये दो से तीन लोगों की रेसिपी बन रही है। और एक चीज़ हम इसमें और ऐड करेंगे, MDH का ये चंकी चाट मसाला है। तो ये चंकी चाट मसाला, इसका हम 1 चम्मच ऐड कर देंगे क्योंकि हमें चटपटा चाहिए, चटपटा ही बनाना है। तो फ्रेंड्स, प्याज हमारा भून गया है, भून के तैयार हो चुका है। ये देखिए ब्राउन कलर का हो चुका है। इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अब मिनिमल प्याज भूनने के बाद लहसुन के साथ अदरक भी डाल देंगे। लहसुन अदरक भूनेगा, अब हम इसमें हींग डाल देंगे। मिर्चा को अभी नहीं डालेंगे, नहीं तो बहुत इससे खांसी आती है। अब हम डाल देंगे ये टमाटर में जो हमने मसाले मिलाए हैं। ये इसमें पानी हमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। गैस की आँच हमने फ्लेम फुली में रखी थी, अब मैंने इसको थोड़ा कम कर दिया। आँच हम फुल ही में कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम कम रखना। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें मिर्चा भी मिला देंगे। मिर्चा मिलाने के बाद अब हम इसकी फ्लेम को बिल्कुल कम में कर देंगे। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। इसी के साथ इसमें ये हरा धनिया भी ऐड कर दिया। आँच हमने फुल कर दी। हम
बहुत ही टेस्टी होता है ये खाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी। बस हमको इसको भूनना है, भूनते रहना है कम से कम 5 मिनट तक। तो फ्रेंड्स ये भून के तैयार हो चुका है, गैस की आंच हमने बंद कर दी। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाऊंगी, इसी में प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स कैसा लगा ये, तो देखिए कैसा लगा ये। रात के चावल बचे हुए थे, हम उन चावलों को भी यूज करके हमने इतना टेस्टी, इतना बहुत टेस्टी होता है, बहुत चटपटा एकदम से, इसमें बहुत अच्छा लगा। तो कैसा लगा, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।